नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सीएम मोहन यादव ने ली कैबिनेट की पहली बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में एक बैठक में मंत्रीगण से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेंद्र शुक्ला सहित मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में उपस्थित थे। इसमें मंत्रियों का अधिकारियों से परिचय कराया गया। 18 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। बैठक से पहले सुबह सीएम मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे, जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक। मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसी बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रभारी की बैठक में शामिल हुए। लगातार चौथी बार विधायक बने विश्वास सारंग ने तीसरी बार ली मंत्री पद की शपथ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस दौरान मोहन कैबिनेट में भोपाल की नरेला सीट से लगातार चौथी बार जीते विश्वास कैलाश सारंग को भी शामिल किया गया है। विश्वास सारंग साल 2013 से 2018 के दौरान शिवराज कैबिनेट में भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास एवं ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद शिवराज ने उन्हें अपनी पिछली कैबिनेट में भी शामिल किया था। शिवराज की पिछली सरकार में विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे। अब मंत्री के रूप में वे यह तीसरी पारी खेलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। ग्वालियर किले पर सोमवार 25 दिसंबर की शाम अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबले पर थाप देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरा किला 22 मिनट तक तबले की थाप से गूंजता रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई संगीत प्रेमी इसके गवाह बने। सीएम ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 30 जनवरी से 4 जनवरी तक एमपी में बारिश, ओले के आसार। मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी कोहरा रहा। सतना और दतिया में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में भी हल्की धुंध रही। विदिशा, रायसेन, खरगोन और दूसरे शहरों में भी घना कोहरा रहा। 29 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। यह काफी स्ट्रांग होगा। इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक बारिश और ओले गिरने की संभावना नजर आ रही है। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ खास खबर। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।